क्या हाल है चचा? माछ काट रहे हो ना? चलो अच्छा है भैया, बहुत ही बढ़िया है। और मैं लेके आ गया हूँ एक फिर से आपके लिए बहुत ही मजेदार मैथ। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, ठीक है? और हाँ, इस वीडियो में मैंने सेकंड लास्ट वीडियो में जो गिव अवे रखा था उनके विनर को आपके सामने लाइव फ्री डायमंड गिफ्ट भी देने वाला हूँ। अगर आप भी आने वाले सभी गिव अवे में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। आप नेटवर्क को ऑफ करके ग्लू वॉल के आर पार जा सकते हो, ये सिर्फ जीप पर ही ट्राई करिएगा। ओके मेरी जान, देखिए जहां तक मुझे पता है अगर आप ग्लू वॉल से जीप को सामने से टकराओगे ना तो वो तुरंत गायब हो जाएगी, लेकिन देखते हैं जीप आर पार कैसे जाती है। ओके चलिए, अभी मेरे को जीप मिल चुकी है, अब मैं एक शांत जगह पर इसको ले चलता हूँ। वैसे भाई लोग, ये जीप की रेड वाली स्किन एकदम ओपी लगती है, आपके पास ये वाली स्किन है क्या? सिर्फ मुझे कमेंट करके बताएं। तो अभी मैं बिल्कुल शांत जगह पर हूँ, अब मैं सबसे पहले नॉर्मली एक ग्लू वॉल लगाकर जीप से टक्कर मार के देखता हूँ। और ये हमने ग्लू वॉल लगा दिया, अब इससे जीप टकराते हैं। अभी तो भाई सब ग्लू वॉल टूट कर गायब हो गई है। चलिए अभी नेटवर्क ऑफ करके ग्लू वॉल से टकराते हैं। और ये फिर से ग्लू वॉल लगाया और अब मैं अपना नेटवर्क ऑफ करता हूं। अब इससे जीप टकराते हैं। अरे ये क्या भाई, जीप तो ग्लू वॉल के आर पार जा रही है। क्या बात है, मजा आ गया। इसी बात पर एक लाइक तो बनता है। हिंस दिस मिथ इज कंफर्म्ड। मील के बैक साइड वाले रोड पर जाओ और फिर रोड पर खड़े होकर सामने वाले बालकनी हाउस के ऊपर एम लगाकर ड्रोन को छोड़ दो और रन करके बालकनी हाउस के पास जाओ। आपको एक ओपी वाला मैजिक दिखाई देगा। ओके, तो अभी जैसे कि मिथ में लिखा हुआ है, मैं आ चुका हूं मिल के पीछे वाली रोड पर। अब मैं सामने दिख रहे बालकनी हाउस पर एम लगाकर ड्रोन को छोड़ देता हूं, ठीक है? चलिए अब जल्दी से बालकनी वाले घर के पास पहुंच जाते हैं। ओ भाई, ये क्या हो गया, ड्रोन तो नीचे उतर आया, ये तो गजब हो गया भाई। Is this method confirmed? ग्रेनेड को हाथ में पकड़ो, उसके बाद फायर बटन पर क्लिक करके होल्ड करो और वुकोंग की एबिलिटी यूज करो। उसके बाद आप वुकोंग बन के ग्रेनेड को फेंक पाओगे। ओके, चलिए एक बार देखते हैं क्या मैं वुकोंग बनते हुए ग्रेनेड थ्रो कर पाऊंगा या नहीं। सो अभी मैं हूं गेम में, तो अभी मैंने ग्रेनेड को होल्ड कर लिया है। अब वुकोंग की एबिलिटी ऑन करते हैं, अब ग्रेनेड को फेंक कर देखता हूं। अरे ये क्या, आपको कुछ दिखा क्या? शायद आपको सही से नहीं दिखा होगा। चलिए एक बार और ट्राई करते हैं। और ये मैंने ग्रेनेड को होल्ड किया और ये मैं वुकोंग बना। अब ग्रेनेड को फेंक कर देखता हूं। हाँ भाई, वुकोंग बनकर भी मैं वाकई में ग्रेनेड को फेंक पा रहा हूं। इट्स अमेजिंग। हिज दिस मिथ इज कंफर्म्ड। गेम में अगर आप मर जाते हो तो आप अपने किसी भी फ्रेंड को मैसेज सेंड नहीं कर पाते, लेकिन अगर आप नॉक होकर मरने वाले हो और आप मैसेज बॉक्स को ऊपर नीचे स्क्रॉल करते करते मरोगे तो आप मरने के बाद भी अपने फ्रेंड को मैसेज भेज पाओगे। भाई देखो, मुझे तो आपका ये वाला मिथ बड़ा ही शानदार लग रहा है। इतने भारी भरकम मिथ लाते कहां से हो यार? नाइस। चलिए अभी मैं आप लोगों को शॉर्ट में बता देता हूं, ठीक है? यहां पर भाई का कहना है कि अगर आप नॉक होकर मैसेज बॉक्स को ऊपर नीचे स्क्रॉल करेंगे और तुरंत ही मर जाएंगे तो आपके मरने के बाद भी आप अपने फ्रेंड को मैसेज भेज पाएंगे। ओके, चलिए अभी दूध का दूध और पानी का पानी कर देता हूं मैं यहां पे। तो अभी मेरे पास है लैंडमाइन और यहां पर मैं लैंडमाइन को लगाकर नॉक हो जाता हूं और अब मैसेज बॉक्स के मैसेजेस को ऊपर नीचे स्क्रॉल करता रहता हूं और मैं अपने मरने का इंतजार कर रहा हूं। और यहां पर मैं मर गया। चलिए अब इनमें से कोई मैसेज पर क्लिक करता हूं, ठीक है? Stay together. Oh my God, ये मैं क्या देख रहा हूं?
मरने के बाद ये मेरा स्टे टुगेदर वाला मैसेज मेरे दोस्त को चला गया। Is this myth is confirmed? अपने दोस्त को इंस्पेक्ट करो और उसको थॉमसन यूज करने को बोलो। आपको थॉमसन की आवाज अलग आएगी। चलिए देखते हैं इंस्पेक्ट करने पर क्या चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो अभी मेरा दोस्त प्रतीक मेरे साथ है यहाँ पर और मैंने उसको थॉमसन चलाने के लिए बोल दिया है। अब यहां पर मैं नॉक होकर जल्दी से मर जाता हूं, ठीक है, और प्रतीक को मैं इंस्पेक्ट करता हूं। और अब मैंने प्रतीक को गन चलाने के लिए बोल दिया है दोस्तों। अब मैं खुद थॉमसन चलाता हूं। चलिए दोनों को एक साथ सुनते हैं। First blood. अरे हाँ भाई, आवाज में तो डिफरेंस है। नॉर्मल थॉमसन चलाने पर उसकी बुलेट गिरने की आवाज आ रही है, जबकि इंस्पेक्ट करने पर ऐसा नहीं है। बड़ो, जिस किसी ने भी अमित लिखा है बता दूं, तुम्हारा अमित बिल्कुल कंफर्म है। तो चलो बड़ो, अब मैं सेकंड लास्ट वीडियो के विनर को टॉप अप आपके सामने देने जा रहा हूं। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, इस वीडियो के विनर ने हमें इंस्टाग्राम पर अपनी UID भेज दी थी। चलिए अब इनको 80 रुपए वाला टॉप अप हम देते हैं। ठीक है, अगर आप टॉप अप जीतना चाहते हैं तो हमारे कुछ स्टेप्स को फॉलो जरूर करें। सबसे पहले आपको वीडियो को लाइक करना है, उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सिलेक्ट करना होगा। एंड लास्ट, हमारे इस वीडियो को अपने साथ खेलने वाले किन्हीं 3 फ्री फायर प्लेयर्स के संग शेयर करना होगा। ठीक है, और हाँ, अपनी UID कमेंट में लिखना बिल्कुल ना भूलिएगा। आप जब भी जिपलाइन से कूदोगे तब आपकी HP 50 कम होगी। प्लीज ट्राई ब्रो। ओके, तो मैं अलग अलग लोकेशन वाली जिपलाइन से अलग अलग ऊंचाई पर जाकर कूद कर देखूंगा। ठीक है, क्या हमारी HP 50 ही कम हो रही है? तो अभी मैं सबसे पहले मार्स इलेक्ट्रिक वाली जिपलाइन से जंप लगा कर देखूंगा। ठीक है, तब तक आप मेरी HP को देख लीजिए। 200 अभी मेरी HP है 200। चलिए अब जिपलाइन से चलते हैं। और ये मैंने जंप लगाई। अरे ये क्या भाई, अभी तो मेरी 50 HP कम हुई। चलिए अब किसी और जिपलाइन के पास चलते हैं। ठीक है, तो अभी मैं हूं दूसरी जिपलाइन पर। चलिए अब इस पर ट्राई करते हैं। अभी मेरी HP फिर से 200 है। चलिए अब देखते हैं। और ये जंप लगाई। अरे यहां भी मेरी 50 HP ही कम हुई। चलिए अब एकदम कम ऊंचाई वाली जिप लाइन पर चल के जंप लगाते हैं। ठीक है, क्या मेरी 50 HP कम होगी? तो अभी मैं हूं कम ऊंचाई वाली जिप लाइन पर। चलिए अब इस पर ट्राई करते हैं। मेरी HP अभी 150 है। और ये मैंने जंप किया। अरे ये क्या, सिर्फ 5 HP कम हुई। चलिए एक बार फिर से देखता हूं। फिर से 5 HP कम हुई। इसका मतलब यह है कि ज्यादा ऊंचाई से कूदने पर हमारी 50 HP जाएगी और कम ऊंचाई से कूदेंगे तो सिर्फ 5 HP जाएगी। इसका मतलब यह है कि ये वाला मैथ बस्टर्ड है ब्रो। गेम में आप प्लाज्मा गन की एमो देख सकते हैं। उसके लिए प्लाज्मा गन को होल्ड करके रखो और ग्लू वॉल पर क्लिक करो। फिर प्लाज्मा गन के स्लॉट की तरफ देखो, आपको प्लाज्मा की एमो दिखाई देगी। ओके, चलिए आज देखते हैं प्लाज्मा में कितनी एमो होती है। अगर आपको पता है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, तो अभी मेरे पास है प्लाज्मा और मैंने यहाँ पर प्लाज्मा को होल्ड किया है और ग्लू वॉल पर टैप किया। अरे भाई मैं ये क्या देख रहा हूँ? अरे ओ चाचा, गन के स्लॉट की तरफ देखो, प्लाज्मा की एमो 150 दिखाई दे रही है। गजब भाई गजब। चलिए अब एक बार प्लाज्मा को यूज करके देखते हैं। ठीक है, एमो कम होते हुए दिखाई देगी या फिर नहीं। ओ भाई, यहाँ पर एमो कम भी हुई है। क्या बात है यार, तुम्हारा मैथ तो एकदम गजब निकला। Hence, this myth is confirmed. Step 1, ग्रुप क्रिएट करो। Step 2, अपने फ्रेंड को इनवाइट करो। Step 3, उसके बाद एयर ड्रॉप पर क्लिक करो और बैक आओ। और फिर से अपने करेक्टर पर क्लिक करो, आपका करेक्टर बोलेगा। वैसे हमारा करेक्टर ग्रुप में रहकर नहीं बोलता है। प्लीज ट्राई। ओके, तो अभी मैंने अपने फ्रेंड को इनवाइट करके ग्रुप बना लिया है। चलिए आपको सबसे पहले बिना कुछ किए वॉइस सुनाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, नहीं आई आवाज, नॉर्मली वॉइस नहीं आ रही है। अब ट्रिक को अप्लाई करते हैं जाने मन। तो
अभी मैंने यहां पर स्पेशल ड्रॉ पर क्लिक किया है और बैक भी आ जाता हूं। अभी पर चेक करते हैं करेक्टर की आवाज आ रही है या फिर नहीं आ रही है। द लेजेंड। ओ सर जी, ये क्या देख रहा हूं मैं? जॉइन द बैटल। आवाज तो सुनाई दे रही है। जॉइन द बैटल। बी द लेजेंड। दिस मिथ इज कंफर्म्ड। तो आप सभी प्यारे प्यारे भाइयों को मिथ्स कैसे लगे मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। आज मैंने ताला नहीं लगाया उसमें, ठीक है? और अपने मित्र भी मुझे कमेंट कर देना जिससे मैं अगली वीडियो में उनको ले सकूं। और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए, यूजर नेम आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, साथ ही डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। चलिए मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, और दिल की गहराइयों से धन्यवाद।